नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है, आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें। बता दें कि बुधवार को पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसी के साथ प्रदेश में 12 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 2 मंत्री की जान भी ये खतरनाक वायरस ले चुका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया था। अतुल गर्ग ने अपने स्वास्थ्य लाभ के अनुभव को साझा करते हुए अस्पताल के सभी डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आप सबके प्रयास से मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रोजाना करीब 5,000 नए केस सामने आ रहे हैं तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी 100 पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 5,898 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक एक्टिव केसों की कुल संख्या 51,317 है। वहीं पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,48,562 हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।